कट रही है आपकी। मैं भी फोन करता हूँ थोड़ी देर। व्यूअर्स, पहले भी मेरे चैनल पे आपके साथ मोटर ट्रॉली ट्रैवल सीरीज शेयर की जा चुकी है फ्रॉम रावलपिंडी टू लाला मूसा, और आज सिंध में धाबे जी से सफर शुरू करेंगे। रावलपिंडी टू लाला मूसा चूंकि सिंगल ट्रैक था, हमें किसी स्टेशन पे खड़े होकर ट्रेन को पास करना पड़ता था। अब यहाँ चूंकि डबल ट्रैक है और आप क्रॉसिंग देखेंगे ट्रेनों की तेज रफ्तारी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सईद आपके साथ मोटर ट्रॉली ट्रैवल सीरीज शेयर कर रहा हूँ। इस सीरीज में 9 एपिसोड आप पहले देख चुके हैं फ्रॉम रावलपिंडी टू लाला मूसा, और आज सिंध से इसका पहला एपिसोड धाबे जी से शुरू कर रहे हैं। पंजाब का सिंगल और सिंध के इस डबल ट्रैक की हम कंपेरिजन भी करेंगे। वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, इनशाला आपको जरूर पसंद आएगी। टोटल मोटर ट्रॉली सीरीज का ये 10वां एपिसोड है, जबकि सिंध का पहला है फ्रॉम धाबी टू रन पठानी। आवाज कट रही है आपकी, मैं भी फोन करता हूँ थोड़ी देर में, ये आवाज कम हो जाए। व्यूअर्स, मेरे इस चैनल व्लॉगिंग विद सईद में आप ज्यादातर लेटेस्ट ट्रेन अपडेट्स देखते हैं, ट्रेन के रिव्यूज देखते हैं, और जब कभी भी मैं ट्रैवल करता हूं तो आपके साथ ट्रैवल व्लॉग भी शेयर किए जाते हैं। मगर ये मोटर ट्रॉली ट्रैवलिंग जो है मेरे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था जिसको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, और इंशाल्लाह आप भी इसको जरूर इंजॉय करेंगे। ये पंपिंग स्टेशन है जहाँ से कराची में पानी सप्लाई होता है।
तो आई व्यूअर्स, सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक का हम कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की अपनी इंजीनियरिंग होगी, मगर मुझे जो है रावलपिंडी टू लाला मूसा का ट्रैक जो है वो ज़्यादा सेफ लगा। उसकी वजह ये कि जब एक स्टेशन से हमारा डिपार्चर होता था, जब तक हम अगले स्टेशन तक पहुँच नहीं जाते थे तो लाइन क्लियर रहती। वहाँ मुझे ये खौफ नहीं था कि सामने से या पीछे से सिंगल ट्रैक पे कोई ट्रेन आ जाएगी। वहाँ ट्रॉली को स्टेशन पर रोक के ट्रेन को पास किया जाता था। अब अगर सिंध में यहाँ देखें तो सामने से तो ट्रेन आने का डाउन ट्रैक से कोई ऐसा खतरा नहीं था। इस सेक्शन में स्टेशन चूंकि दूर दूर थे तो पीछे से किसी वक्त भी ट्रेन आ सकती थी। तो उसका हल ये निकला हुआ था कि जैसे हम दाबेजी से रवाना हुए तो वहाँ SM के पास एक बंदे का मोबाइल नंबर ले लिया गया जो हमें इन्फॉर्म करता था कि रहमान बाबा दाबेजी से निकल चुकी है। और फिर जिस माइलेज पे हमारी ट्रॉली होती थी, हम वहाँ से कैलकुलेशन करते थे कि दाबेजी से ये माइलेज हम कितनी देर में ट्रेवल करके आए, हमारी स्पीड क्या है, उस लिहाज से हम फिर अपनी ट्रॉली को ट्रैक से नीचे उतारते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रिज की दोनों साइड पे ट्रॉलियों को उतार लिया गया और रहमान बाबा आ रही है जिसे HGMU 38213 लीड कर रहा है। जैसा कि आप व्यूवर्स वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ एक और इशू था कि ट्रैक के साथ जमीन हमवार नहीं थी, ट्रॉली को वहाँ रोकने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी। लिहाजा ट्रॉली पे चलते हुए कोई ऐसी जगह देखनी पड़ती थी जहाँ स्पेस थोड़ी ट्रैक के साथ हो ताकि आसानी से ट्रॉली को नीचे उतारा जा सके। रहमान बाबा के बाद मजीद एक 15 मिनट बाद कॉल मशगूल हुई थी कि एक ट्रेन और आ रही है, यूसुफ वाला कोल एक्सप्रेस। इसका ट्रैक साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी देखें, आपको इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा। इसे लोकोमोटिव GU 40909 लीड कर रहा था। दोनों ट्रालियों में 10 लेबर जो लिए गए थे व्यूअर्स, यही सबसे मुश्किल काम था कि ट्राली को ट्रैक से नीचे उतारना और फिर दोबारा ऊपर चढ़ाना। 36 की इस टेम्परेचर में लोहे को पकड़ना भी एक बहुत मुश्किल काम था। एक ट्रॉली ट्रैक पे आ चुकी थी जबकि दूसरी को रखा जा रहा था। यहाँ हमारे तकरीबन 40 से 45 मिनट स्टे हुआ। धाबेजी से रन पठानी का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 18 किलोमीटर है, जो अगर ट्रैक किलोमीटर को देखें तो 60.3 to 78.5। इस मोटर ट्रॉली ट्रैवल सीरीज के 9 एपिसोड जो पहले शेयर किए जा चुके हैं, उन तमाम के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फ्रॉम रावलपिंडी टू लाला मूसा आपका जो फेवरेट एरिया हो आप उसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस सेक्शन में ट्रॉली को स्टेशन पे रोक के ट्रेनों को क्रॉस किया जाता था और यहाँ सिंध में आज के सेक्शन में ट्रैक चूंकि डबल है, मोटर ट्रॉली भी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है और सामने से आने वाली ट्रेनें जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं। सामने से देखें ट्रेन जो आ रही है इसे लोकोमोटिव GU 40905 लीड कर रहा है।
अब जो ट्रेन क्रॉसिंग आप देखेंगे व्यूअर्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये ट्रेन अचानक इन झाड़ियों और कर्व के पीछे से नमूदार हुई। हमारी ट्रॉली की स्पीड तो ज़रा कम थी मगर इस ट्रेन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और इस लोकोमोटिव HGMU 38205 फ्लीट कर रहा था। सेवेंटी सिक्स किलोमीटर पर हम पहुंच चुके हैं और ये जैसे ही कर्व ख़त्म होगी तो रन पठानी जो है वो नज़र आएगा, जो कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। व्यूअर्स, रन पठानी स्टेशन से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ही एक ब्रिज है, इसे रन पठानी ब्रिज कहते हैं, जो कि एक बड़े सैलाबी रेले में डैमेज हो गया था 2006 में और उस वक्त जितनी भी गाड़ियां थी अप एंड डाउन से वो हैदराबाद तक ही आती थी और पाकिस्तान रेलवे ने इसे बहुत ही खलील मुद्दत में तकरीबन 12 हफ्तों में तैयार किया था। जहाँ तेज़ रफ्तार ट्रेनों से आप गुजरते हों उस ट्रैक पर ऐसे बाहर खड़े होकर यह नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। कांटा जो है वो बना हुआ था और हमें मेन लाइन पे ही रखा गया, लिहाजा कोई बैक साइड से ट्रेन नहीं आ रही है। 18 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे थे थोड़ी देर यहाँ पे रन पठानी पे स्टे करेंगे और फिर अगली मंजिल की जानब रवाना होंगे। तो व्यूवर्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ रहिएगा, आने वाले एपिसोड इंशाल्लाह जरूर आप इंजॉय करेंगे। सामने से आने वाली ट्रेन बिजनेस एक्सप्रेस है जिसे ZCU 30 6312 लीड कर रहा है और इसको भी रन पठानी पे रोक लिया गया है। वजह समझ में नहीं आई क्या हो सकती है। अब ये ट्रेन जब रवाना होती है तो SM से मिलते हैं रन पठानी, सुनने पूछते हैं कि क्या वजह थी, बिजनेस एक्सप्रेस को क्यों रोका गया। व्यूअर्स, आगे आने वाले एपिसोड में हैदराबाद से पहले 2-3 ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जिन्हें अभी भी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि खतरनाक भी थे और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
ये पाक बिजनेस एक्सप्रेस है डाउन ट्रैक पे। दोनों ट्रालियों पे लेबर समेत तकरीबन 17 से 18 लोग थे और हम सब यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रन पठानी से जो है वो डिपार्चर हो और हम जाके SM रन पठानी से मिले। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में रन पठानी सब आगे की तरफ रवानगी होगी। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।